देखिए यहाँ पर एक वर्क है ट्रिब्यूट टू पापा, और इसको लिखा है ममता कालिया ने। एक्चुअली ट्रिब्यूट टू पापा एक पोयम है और इसको ममता कालिया ने लिखा है। देखिए पोयम शुरू करते हैं। ट्रिब्यूट टू पापा इज अ पोयम रिटन बाय ममता कालिया। ट्रिब्यूट टू पापा एक पोयम है जिसको ममता कालिया ने लिखा है। शी स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 9, और ममता कालिया 9 वर्ष की एज से ही राइटिंग लिखना शुरू कर दिया था। शी हैज मोर देन 25 बुक्स टू हर क्रेडिट, और इनको इनके क्रेडिट में लगभग 25 बुक्स से ज्यादा हैं जो कि इन्होंने लिखा है। दिस इंक्लूड्स 4 नॉवेल्स, इसमें 4 नॉवेल्स भी हैं, एंड 10 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, और 10 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन भी है जो कि ममता कालिया ने लिखा है। ममता हैज पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री टाइटल ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स 1970 एंड सेकंड पोएम्स 78। देखिए ममता कालिया ने दो पोएट्री के दो पोएम्स को, दो वॉल्यूम्स को, ममता कालिया ने पोएट्री के दो वॉल्यूम्स को पब्लिश कराया है। एक है ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स 1970 में, और दूसरा पोएम्स 78, इसको पब्लिश करवाया गया 1979 में। हर पोएम्स आर बेस्ड ऑन द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ अ वीमेंस लाइफ इन एंड आउटसाइड द हाउस। इनकी ये पोएम जो है ये घर में और बाहर किस तरह से वीमेंस की लाइफ फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है इस पर बेस्ड है। हर मेन फोकस इज ऑन द लव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीमेन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। इनका जो है मेन फोकस लव पर है, और वीमेन और मैन के बीच, वीमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उस चीज को दिखाया इन्होंने, एंड मैन और वुमेन के रिलेशनशिप को इन्होंने अपने पोएम में दिखाया है। शी इज द पोएट ऑफ फेमिनाइन डिजायर्स। ममता कालिया फेमिनाइन डिजायर्स के एक पोएट हैं। होप्स फियर्स एंड लोननेस एक्सपीरियंस्ड बाय वुमेन इन जनरल, जो कि एक तरह से अकेलापन महसूस करती हैं। सी ऑब्जर्व्स द वीमेन्स सफरिंग, और ये वीमेन्स की सफरिंग को ऑब्जर्व करती हैं कि किस तरह से वीमेन सफर करती हैं, एंड देन राइट्स एंड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये लिखती है। ट्रिब्यूट टू पापा इज अ पोएम वेयर ममता कालिया बेज अ स्पिटफुल कॉम्प्लीमेंट टू हर फादर। ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसा पोएम है जहां पर ममता कालिया पेज अ स्पिटफुल कॉम्प्लीमेंट, जहां पर ममता कालिया अपने पिता को एक कॉम्प्लीमेंट देती हैं, बताती हैं, कहती हैं उनसे। द थीम ऑफ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द ओल्ड एंड यंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज इज शोन बाई द पोएट। मतलब इसमें पोएट के द्वारा जो यंग और ओल्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उस चीज को दिखाया गया है। वैल्यूज के मामले में देखें तो ममता कालिया पॉइंट्स आउट डेट हर फादर्स आइडियाज आर द रीजंस बिहाइंड हिज डाउनफॉल। सी फील्स डेट एज अ फादर ही फेल्ड टू मेक हर प्राउड ऑफ हिम। ममता कालिया कहती हैं कि वो अपने पिता पर प्राउड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो अपने रीजन से जो है, अपने बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज, अपने आइडियाज की वजह से वो एक तरह से डाउनफॉल की तरफ हो चुके हैं। द पोएट इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम क्वेश्चंस हर फादर। पोएट जो है ममता कालिया हैं वो पोएम के स्टार्टिंग में ही अपने पिता से क्वेश्चन करते हैं, हु केयर्स फॉर यू पापा, पापा आपकी केयर कौन करता है। सी क्वेश्चंस हर, वो उनसे क्वेश्चन करती है फादर डैट हु केयर्स फॉर द क्लियर थॉट्स, क्लियर वर्ड्स, क्लियर ट्रूथ, कौन है जो कि तुम्हारे इस क्लियर थॉट्स, वर्ड्स या क्लियर
या तुम्हारे क्लीन टीथ, इन सब की केयर करता है, कौन है जो कि केयर करता है। सी आल्सो क्वेश्चन, वो ये भी क्वेश्चन करती है, सी वांट्स टू बी एन एंजल लाइक यू, कि वो तुम्हारी तरह एक एंजल बनना चाहती है, अर्थात वो इसका रिप्लाई भी देती है, नहीं वो तुम्हारी तरह कोई एंजल नहीं बनना चाहती है। सी सेज हर पापा टू बी सक्सेसफुल मैन, वो अपने पापा से कहती है कि आप एक सक्सेसफुल मैन बनिए, हु कुड नॉट अचीव अ कोजी प्लेस इन द वर्ल्ड। आप सक्सेसफुल कोई मैन नहीं हो, है ना, अगर आप सक्सेसफुल मैन होते तो आप वर्ल्ड में एक बढ़िया प्लेस रिसीव करते, एक अच्छे ओहदे पर होते, एक पैसे वाले होते। द पोएट सेज, पोएट कहती है डेट हर फादर हैज लिव्ड अ लाइफ विद लिमिटेड ड्रीम्स, की पोएट कहती है कि उसके पिता एक लिमिटेड ड्रीम्स के ही साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना ही कुछ बड़े ख्वाब देखते हैं, ना ही कुछ बड़ा करते हैं। ममता कालिया सेज डेट से बिज्ड डेट हर फादर वुड हैव गर्ड्स टू स्मगल 80,000 वाट्स एट अ स्ट्रोक। ममता कालिया कहती हैं कि उसके पास अगर गर्ड्स होता कि उसके पिताजी जो है स्मगल का काम कर रहे हैं और वहां से जो है अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फॉर दिस इसे सी कुड प्राउडली से, इसे वो प्राउडली ये कह सकती थी, माय फादर्स इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, यू नो, पता है पापा अगर आप ऐसा करते तो मैं ये कह सकती थी प्राउड फील करते हुए कि मेरे पिताजी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, इसमें बहुत पैसा आता है। द पोएट सेज डेट हर फादर ऑलवेज ट्राइज टू बी अ मॉडल मैन, पोएट कहते हैं कि उसके पिता हमेशा एक मॉडल मैन बनने का प्रयास करते हैं और पैसा बहुत कमाने का प्रयास नहीं करते हैं। वेन ही कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग ऑफ एनीथिंग, जब वो कोई चीज नहीं कर सकते हैं, ही स्पेंड आवर टाइम्स प्रेइंग एट द टेम्पल, तो वो आवर्स टाइम मतलब वो घंटों बर्बाद कर देते हैं मंदिरों में, पूजा करने में बर्बाद कर देते हैं जब उनके पास करने के लिए एक्चुअल में कुछ नहीं होता है तब। पोएट सेज हर फादर डेड विदाउट नोइंग व्हाट ग्रेटनेस इज, पोएट अपने पिता के बारे में कहती हैं बिना ये चीज जाने हुए कि उनकी क्या ग्रेटनेस है। यू वांट मी टू बी ग्रेट लाइक यू पापा, और लाइक रानी लक्ष्मीबाई, पापा क्या तुम मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हो, या जो है रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनाना चाहते हो, उनकी तरह महान बनाना चाहते हो, मुझे भी ऐसा। द पोएट इज थिंकिंग ऑफ डिसऑनिंग हर फादर, पोएट जो अपने पिता के डिसऑनिंग के वो सोचता, मतलब वो अपने पिता के बारे में सोचती है कि काश मेरे पिता अमीर होते और हमारी सारी कमियों को पूरा करते, उनमें हिम्मत होती कि एक मतलब चोरी एक तरह से स्मगल का बिजनेस कर लेते, गड्स होता ये चीज। सी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन करती है व्हाट इफ आई स्टार्ट कॉलिंग यू मिस्टर कपूर, वो क्वेश्चन करती है पिता से, पिताजी अगर क्या होगा अगर मैं आपको जो है मिस्टर कपूर कहने लगूं तो इससे क्या हो जाएगा, मिस्टर कपूर लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स सेक्शन, अगर इस नाम से मैं आपको पुकारने लगूं तो क्या होगा। ट्रिब्यूट टू पापा इज अ पोयम, ट्रिब्यूट टू पापा एक ऐसा पोयम है वेयर द डॉटर टॉक्स अबाउट द फेलर ऑफ द फादर, जहां पर एक बेटी अपने पिता के असफलताओं के बारे में बात करती है। She talks openly to her father about her love affair, और वो इस पोयम में वो यानी कि डॉटर जो है अपनी बेटी से अपने लव अफेयर के बारे में फ्रेंकली बात करती है, कहती है देयर इज नो शाइंग अवे फ्रॉम द फादर अबाउट द फिजिकल इंटीमेसी, वो कहती है कि काश तुम्हारे अंदर गट्स होता, मैं तुमसे कह पाती कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर ये सुनने का गट्स भी नहीं है, मैं चाहे कर भी नहीं कह सकती हूँ। सी शेयर्स विद हर लवर, वो मतलब अपने लवर के बारे में जो भी बातें वो उस पिता से शेयर कर पाती। सी सेज व्हाट इफ हर टमी स्टार्ट शोइंग अप, वो कहते हैं क्या होगा अगर उसका टमी जो है निकलने लगे, अर्थात वो प्रेग्नेंट हो जाए तब क्या होगा, लेकिन आपके अंदर तो इतना भी गट्स नहीं कि आप जो है ऐसे कहते हैं कि मैं मुंह दिखाने के काबिल, संसार से लड़ने के काबिल नहीं रह जाते हैं, आप तो बिल्कुल हार जाते हैं। सी सेज टू हर फादर, वो अपने पिता से कहती है सी विल बी केयरफुल, की परेशान मत होइए, हम केयरफुल रहेंगे, वो केयरफुल रहेगी,
अदरवाइज हर फादर विल थिंक ऑफ सुसाइड, नहीं तो उसके पिताजी सोचते हैं सुसाइड के बारे में सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो है बेफिक्र रहिए, हम केयरफुल रहेंगे। तो इस तरह से ट्रिब्यूट टू पापा में मतलब डॉटर ने फादर के बारे में बताया है कि उनके फादर कैसे होने चाहिए, और इस तरह से वो मॉडर्न सोसाइटी के डॉटर के भी बारे में बात किया है कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पर सिल्विया प्लाथ का एक वर्क है लेडी लेजरस। एक्चुअली लेडी लेजरस एक पोयम है, तो इसमें देखते हैं क्या है। हर फादर्स डेथ एट अर्ली एज, इनके पिता की डेथ, सिल्विया प्लाथ के पिता की डेथ बहुत ही कम समय में हो गई थी। प्लाथ डिवोर्स विद हर हस्बैंड, और प्लाथ का डिवोर्स भी उनके हस्बैंड के साथ हो चुका था। हर सुसाइडल अटेम्प्ट, और इन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया। पोयम लेडी लेजरस, सिल्विया प्लाथ रोट द पोयम लेडी लेजरस इन 1962। सिल्विया प्लाथ ने इस पोयम यानी कि लेडी लेजरस को 1962 में लिखा। ड्यूरिंग अ क्रिएटिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन द मंथ्स बिफोर हर डेथ बाई सुसाइड इन 1963। द पोयम विच रिमेन्स ऑफ प्लॉथ्स मोस्ट एंड्यूरिंग वर्क्स, लेडी लेजरस इज द बॉर्न टाइटल्स ऑफ द पोयम, सॉरी लेडी लेजरस इज द बोथ टाइटल्स ऑफ द पोयम एंड इट्स स्पीकर। यहाँ पर बताया गया है कि लेडी लेजरस में जो लेडी लेजरस जो पोयम है इसमें लेडी लेजरस ये पोयम का टाइटल भी है और इसके साथ में पोयम की स्पीकर भी। मच लाइक द बिब्लिकल लेजरस द मैन जीसस रिसरेक्टेड फ्रॉम द डेड इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, द स्पीकर इज आल्सो resurrected by external forces and more than once. This resurrection, however, is unwanted. The speaker reveals she wants to die in order to escape the profound suffering caused by living in an oppressive male-dominated society. इसमें होता क्या है कि लेडी लाइजरस male-dominated society में रह रही होती है और वहां पर ये कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट करती है, तो इन सबको जो है सिल्विया प्लाथ ने रिवील किया है इस पोयम के थ्रू। समरी, आई हैव डन इट अगेन, मैंने दोबारा किया है। अब वो क्या किया है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आगे इस कंफर्म हो जाएगा कहीं ना कहीं सुसाइड ही दोबारा किया इन्होंने। आई हैव डन इट अगेन वंस एवरी 10 ईयर्स, मैंने इसे फिर से किया है और हर 10 साल में एक बार मैं करती हूँ। आई मैनेज टू किल माई सेल्फ, मैं खुद को मारती हूँ, मारना चाहती हूँ, मीन सुसाइड करना चाहती हूँ, बट कम बैक टू लाइफ, लेकिन नहीं मर पाती हूँ, फिर से जीवित कर दिया जाता है मुझे। आई एम अ काइंड ऑफ लिविंग मिरेकल, मैं एक तरह से मिरेकल की तरह हूँ। विद माई स्किन सो वाइट इट लुक्स लाइक अ लैम्प शेड, द नाजिस मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड ज्यूस होलोकॉस्ट विक्टिम्स, माई राइट फूट हैवी लाइक अ पेपर राइट एंड माई फेस विदाउट इट्स अनयूजुअल फीचर्स लुकिंग लाइक अ फाइन पीस ऑफ जेविस क्लॉथ। आई एम करेंटली डेड एंड दिस इज द थर्ड टाइम आउट ऑफ 9, मतलब ये करें हाल ही में मेरी डेड हुई और ये तीसरी बार मेरी डेड हुई थी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टाइम जब मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया था तो वहां पर मेरी डेथ नहीं हुई थी। व्हाट अ शेम टू डिस्ट्रॉय ईच डिसाइड लाइक दिस, सी द मिलियन फ्लैशिंग बल्ब्स जेंटलमैन एंड लेडीज ऑफ द क्राउड हेयर My hands, my knees, I came back as the same identical woman I was before I died. The first time I died, I was 10 years old. It was an accident. The second time I died was intentional. First time, जब इन्होंने suicide attempt किया था
तो तब ये 10 साल की थी और वो एक एक्सीडेंट था, बट सेकंड टाइम वो एक इंटेंशनल था, मीन्स इनका इरादा मरने का था, इन्होंने खुद से जानबूझकर किया। आई मीन फॉर इट टू लास्ट एंड द नेवर कम बैक, आई रॉक्ड इनटू अ बॉल, शटिंग माई सेल्फ द वर्ल्ड लाइक अ सी सी सेल। पीपल हैड टू कॉल एंड कॉल फॉर कम बैक टू लाइफ एंड हैड टू पिक ऑफ द वॉर्म्स विच हैड ऑलरेडी बिगन टू इन्फेस्ट माई ड्यूरिंग बॉडी एज दो दे आर पल्स देवर पल्स डेड द स्टक टू मी लाइक एवरीथिंग एल्स। डाइंग इज एन आर्ट फॉर्म आई स्किल, आई एम एक्सट्रीमली गुड एट इट, आई ट्राई टू डाई सो इट फील्स टेरिबल लाइक आई एम इन हेल। मतलब ये जैसा कि मरने का प्रयास करती थी बट ये मर नहीं पाती थी, इसलिए जीते जी इसको ऐसा लगता था जैसे कि मैं नरक में हूं, हेल में। आई ट्राई टू डाई इन अ वे डेट फील्स एज दो आई एम एक्चुअली डाइंग, आई गेस यू कुड से डेट डाइंग इज माई कॉलिंग। इट्स द ड्रामेटिक रिसरेक्शन, द रिटर्न इन द मिडिल ऑफ द डे टू सेम प्लेस, द रिटर्न टू द सेम बॉडी, द रिटर्न टू द सेम ओल्ड लाउड एंड सरप्राइज्ड साउंड। इट्स अ मिरेकल डेट रेडी डेट रियली ट्राइज मी आउट, आई चार्ज फॉर पीपल टू लुक एट माई स्कार्स। सो सर डॉक्टर, सो सर एनमी, आई एम योर ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, आई एम योर वैल्यूबल आइटम लाइक अ बेबी मेड आउट ऑफ प्योर गोल्ड एंड वेन डाइंग मेल्ट्स अंटिल देयर इज नथिंग बट द साउंड ऑफ स्क्रीमिंग। वे डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर क्या मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूं, बार बार मुझे जीवित कर देते हो। आई टर्न अवे फ्रॉम यू एंड बर्न, सॉरी, आई टर्न अवे फ्रॉम यू एंड बर्न अलाइव। डोंट थिंक आई अंडर एस्टिमेट, जस्ट डोंट वॉन्ट नो हाउ कंसर्न यू आर फॉर मी नाउ। आई एम जस्ट एस ऑल एस योर पोक एट द एस, stir it around looking for my flesh or bone but there isn't anything left, just a bar of soap, a wedding ring, a gold tooth filling. Sir God, Sir Lucifer, beware, beware, out of the ashes I will rise, my hair red, and I will eat men like they are nothing, like I am simply breathing. अब यहाँ पर थीम क्या है लेडी लेजरस, इस पोएम का थीम क्या? तो थीम है डेथ एंड सुसाइड। लेडी लेजरस में डेथ और सुसाइड को दिखाया गया है, जेंडर और ऑपरेशन को दिखाया गया है, और सफरिंग और परफॉर्मेंस को दिखाया गया है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पोएम है द यूनिकॉर्न, और द यूनिकॉर्न को लिखा है सुनीति नाम जोशी ने। सुनीति नाम जोशी इज वाइडली रिगार्डेड एज अ मेजर फिगर इन इंग्लिश। सुनीति नाम जोशी जिन्होंने द यूनिकॉर्न को लिखा है, इनको इंग्लिश में एक मेजर रूप से जाना जाता है। शी इज एन इंडियन राइटर, ये सुनीति नाम जोशी एक इंडियन राइटर हैं, एंड एज अ फेमिनिस्ट लेस्बियन पोएट, और साथ में फेमिनिस्ट लेकिन लेस्बियन पोएट हैं। शी हैज रिटन मेनी कलेक्शंस ऑफ पोएट्री, इन्होंने कई सारी पोएट्री की कलेक्शंस लिखी, सेवरल नॉवेल्स, कई सारे नॉवेल्स लिखी, एंड चिल्ड्रंस बुक, और चिल्ड्रंस बच्चों पर बच्चों की किताबें लिखी। हर वर्क हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेज इंक्लूडिंग स्पेनिश, इटालियन, डच, चाइनीज, कोरियन एंड हिंदी। इनका वर्क जो है वो कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे स्पेनिश में, इटालियन में, डच में, चाइनीज, कोरियन या हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। इन द पोएम द यूनिकॉर्न, नाम जोशी ट्राइज टू कनेक्ट द रियल विद माइथोलॉजिकल अनरियल एंड आल्सो शो द कंट्रास्ट बिटवीन द लव एंड आइडिया ऑफ लव। यूनिकॉर्न नाम जोशी एक माइथोलॉजिकल
करेक्टर है माइथोलॉजिकल अनरियल, एक क्रिएचर्स है जहां पर जिसके थ्रू इन्होंने एक कंट्रास्ट दिखाया, लव और आइडिया ऑफ लव के बीच में कंट्रास्ट दिखाया है। द पोएटेस यूजेज यूनिकॉर्न टू सिंबलाइज द माइथिक एग्जिस्टेंस। पोएट ने यूनिकॉर्न का यूज किया है मिथिक एग्जिस्टेंस को सिंबलाइज करने के लिए, ऐसी चीज के एग्जिस्टेंस, ऐसी भी चीजें एग्जिस्टेंस में हैं जो कि रियल नहीं है। द प्रेजेंट वर्ल्ड कैन नॉट गिव हर द सपोर्ट, प्रेजेंट वर्ल्ड उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है, सो शी ब्रिंग्स द यूनिकॉर्न, इसलिए वो ब्रिंग्स यूनिकॉर्न लाती हैं, डेट एग्जिस्टेड और परहैप्स नॉट, जो कि शायद एग्जिस्ट करे या हो सकता है ना भी करे, बट इन एन एंशियंट सोसाइटी, लेकिन एंशियंट सोसाइटी में वेयर इट्स मिथ्स कुड बी फाउंड, एंशियंट सोसाइटी में मिथ्स पाए जाते थे, आज की सोसाइटी में हो सकता है मिथ्स को लोग फॉलो ना करें, लेकिन एंशियंट सोसाइटी में मिथ्स को लोग फॉलो करते थे। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएटेस टॉक्स अबाउट द वाइल्ड यूनिकॉर्न, इस पोएम में पोएटेस जो है वो वाइल्ड यूनिकॉर्न के बारे में बात करती हैं। द वाइल्ड यूनिकॉर्न इज अ मिथिकल हॉर्स लाइक एनिमल, वाइल्ड यूनिकॉर्न जो होता है एक मिथिकल लेकिन हॉर्स की तरह एक एनिमल है, विद अ सिंगल हॉर्न, जिनके पास केवल एक ही सिंग होती है, ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स फोरहेड, और इसमें ये फोरहेड मीन्स होता है माथा होता है। द पोएटेस राइड्स ऑन डेट यूनिकॉर्न, अ पोएटेस इस यूनिकॉर्न पर सवारी करती है, एंड इट वॉज एक्चुअली माइल्ड इट्स स्प्रिट, और एक्चुअली में होता क्या है इसकी स्प्रिट को ये माइल्ड करती है। शी इज एबल टू क्रॉस द लीव्स एंड सिल्वर थॉर्न एंड फाउल वेदर, एक्चुअली में यहाँ पर सुनती नाम जोशी जो है ये कहती हैं कि वो लीव्स और सिल्वर थॉर्न और फाउल वेदर को क्रॉस करने में एबल हैं। इट सीम्स ऐसा लगता है एज इफ द पोएटेस हैड ब्रॉट नेचर अंडर हर कंट्रोल, ऐसा लगता है जैसे पोएटेस के कंट्रोल में ये सारा का सारा नेचर आ चुका हो। अगेन द पोएटेस एड्रेस हर बिलव्ड, फिर दोबारा पोएटेस जो है अपने बिलव्ड को, अपने लवर को जो है एड्रेस करती है एंड सेज और कहती हैं डेट लव विल यू राइड विद मी, कि लव अपने प्रेमी से कहती हैं लव क्या तुम मेरे साथ सवारी करोगे, मेरे साथ यूनिकॉर्न पर सवारी करोगे। बट हर लवर लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन उसका लवर जो है वो नहीं करता और उसको पीछे छोड़ देता है। एंड हेयर हर हार्ट इज ब्रोकन, और यहाँ पर पोएट का दिल टूट जाता है। देर आर रिक्रिएटिंग द इमेज ऑफ पास्ट एंड पास्ट लव बाय स्पीकर, स्पीकर के द्वारा यहाँ पर पास्ट के इमेज को और पास्ट के लव को रिक्रिएट किया जाता है। एंड सी लूजेज हर लव विच हेल्प्स हर टू कंटिन्यू लाइफ, और ये अपने प्रेमी को खो देती है, पीछे छोड़ देती है, जो कि उसके लाइफ में हमेशा उसकी सहायता करता था। सी दिस इज अ वर्च्यू एंड फिलोसॉफिकल डेथ ऑफ लव, इस प्रकार से यहाँ पर लव का जो है फिलोसॉफिकल डेथ होता है। बट देन द स्पीकर मूव्स विद सेम स्पिरिट विद अ सेंस हर बिलव्ड बिहाइंड हर, और जैसे ये मूव करती है तब ये पाती है कि उसका जो प्रेमी है, उसका जो बिलव्ड है, उसके पीछे है। एंड फॉर अवे बिहाइंड हर, और वो जो है बहुत पीछे छूट गया है, पीछे ही रह गया है। दिस डिस्क्राइब्स द मैन वुमेन रिलेशनशिप, और ये मैन वुमेन के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। वेयर द लेडी वांटेड टू राइड विद हर लवर, जहां पर लेडी जो है वो अपने लवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ में यूनिकॉर्न पर सवारी करना चाहती है, और मैन ऑन अथवा उस आदमी के साथ जिससे वो प्यार करती है सवारी करना चाहती है ऑन यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न पर, यूनिकॉर्न एनिमल पर। बट द मैन और बिलव्ड रिफ्यूजेस, लेकिन उसका प्रेमी उसको मना कर देता है। बट सी कॉन्टिन्यू हर राइड, लेकिन वो अपने राइड को कॉन्टिन्यू रखती है। यू कैन कनेक्ट दिस पोएम विद रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेज, और आप सुनती नाम जोशी की इस पोएम द यूनिकॉर्न को ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट डचेज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेम उससे मिलती जुलती है।
इन दिस पोएम, इस पोएम में द ड्यूक ऑफ फेरारा फील्स इंसल्टेड व्हेन हिज वाइफ राइड्स ऑन अ वाइट म्यूल। इन दिस पोएम, इस पोएम में इस तरह की बातें होती हैं, जैसे ड्यूक ऑफ फेरारा जो है इंसल्ट फील करता है जब उसकी वाइफ जो व्हाइट म्यूल पर राइड करता है करती है। ही फाइंड्स इट रिडिकुलस फॉर अ क्वीन टू बिहेव इन सच अ मैनर। इस तरह से वो जो है रानी के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा रिडिकुलस फील करता है। द ड्यूक ऑफ फेरारा लुक्स एट हिज क्वीन फ्रॉम द पेट्रियार्कल व्यूज। और ड्यूक ऑफ फेरारा जो अपने क्वीन को एक पेट्रियार्कल व्यूज की तरीके से देखता है। Likewise, when the speaker in this poem is riding the unicorn, her love just stays behind. इसी तरह यहाँ भी इस poem में यानी द यूनिकॉर्न में जब स्पीकर जो है यूनिकॉर्न पर सवारी कर रहा होता है तब उसका उसका जो प्रेमी है उसके पीछे अब वो अपने प्रेमी को पीछे ही छोड़ देता है। Simply for the fact of being ashamed or perhaps unable to have courage to go alone with the speaker. In this poem, the unicorn we can find the name Josie being a lesbian writer. इस poem में unicorn जो poem का नाम है इसमें सुनती नाम जोशी एक lesbian writer है और जो कि can think of a speaker who is lesbian and is in love with a girl. और lesbian वो होता है जो कि मतलब girl हो, girl girl से मतलब प्रेम करता हो और इसको भी जो है गर्ल से प्रेम है सुनती नाम जोशी को भी। एज हर रिलेशन इज बीइंग अ वुमन विद अ वुमन, जैसा कि इसका रिलेशन ये खुद एक वुमन है और इसका रिलेशन भी एक वुमन से ही है, डेट्स वाई इसलिए वी विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप अप और ऑन टू मूव। इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टेप नहीं ले सकते हैं फॉरवर्ड, ड्यू टू विच हर लव इज लाइकली टू स्टे बिहाइंड, जैसा कि इसका लव जो है पीछे छूट जाता है क्योंकि गर्ल है और गर्ल से प्यार करते तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सो वुमेन वुमेन रिलेशनशिप इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कन्वेंशनल सोसाइटी। और हमारी इस कन्वेंशनल सोसाइटी में वुमेन वुमेन रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं है। दस राइडिंग अ यूनिकॉर्न इज अ मिथिक माइथिक एक्ट। इसलिए इस तरह से जो है यूनिकॉर्न पर सवारी करना एक बिल्कुल माइथिक के ही समान है। और यहाँ पर एक और दिया गया, स्पीकर कैरीज ऑन हर राइड अलोन। और इसलिए स्पीकर जो है वो अकेले ही सवारी करती है अपने यूनिकॉर्न मिथिकल एनिमल्स पर और अकेले ही लंबी यात्रा पर जाती है। एंड फॉर सेक्स वन नीड्स समवन टू लव। और सेक्स की बात किया जाए तो सेक्स के लिए एक इंसान को किसी से प्यार करने की जरूरत होती है क्योंकि विदाउट लव सेक्स का कोई मतलब नहीं होता है। हियर द विंड, हियर द वाइल्ड यूनिकॉर्न इंडिकेट्स द एलिमेंट्स ऑफ पैशनेट लव एंड डिजायर्स इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर वाइल्ड यूनिकॉर्न ये पैशनेट लव और डिजायर्स के एलिमेंट्स को ह्यूमन्स के रिगार्ड में एक्सप्रेस करता है, बताता है। द फ्रेज ग्रीन लाइट ऑफ ट्रीज एंड डार्क लाइट ऑफ नाइट कन्वे द टाइम फॉर लव मेकिंग, व्हाइल द पास्ट लीव्स सिंबलाइजेज इमेज ऑफ फीमेल जेनिटल। यहाँ पर जो पास्ट लीव्स हैं वो इमेज ऑफ फीमेल जेनिटल को सिंबलाइज करती हैं। बिसाइड्स यूनिकॉर्न एज बिलोंगिंग टू द हॉर्स, जैसा कि यूनिकॉर्न जो है एक हॉर्स लाइक मिथिकल एनिमल है तो ये फैमिली अराउंड इनहांस द सेक्सुअल, मतलब ये जो यूनिकॉर्न एज बिलोंगिंग टू द हॉर्स फैमिली ऑलरेडी इनहांस द सेक्सुअल, मतलब ये जो है एक तरह से ऑलरेडी जो है सेक्सुअल डिजायर में इनहांस करती हैं। द यूनिकॉर्न देन बिकम्स अ सिंबल ऑफ सेक्स टॉय। और यूनिकॉर्न एक प्रकार से जो है ये सेक्स टॉय का सिंबल के रूप में दिखाए गए हैं यहाँ पर। However, the irony is that since the love stays behind, it means the speaker has to carry along to task only, which is a clear indication of self-stimulation. Conclusion: the poem is all about a one's life in one's own self-realization. ये poem है कुल मिलाकर एक इंसान के मतलब life के बारे में जहाँ पर self-realization होता है। और वन शुड बी एबल टू ट्रस्ट वन सेल्फ
इस पोएम के थ्रू ये मैसेज दिया गया कि एक व्यक्ति को अपने आप पर ट्रस्ट करना चाहिए एंड नॉट टू मूव्ड बाय व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू, और इस बेस पर नहीं चलना चाहिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। द स्पीकर शोज द डिसीजन मेकिंग पावर सी कॉन्टिन्यूस द जर्नी। स्पीकर जो है एक डिसीजन मेकिंग पावर को शो करता है और साथ में एक अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है, रखती है। द पोएम इज अ ब्लिस व्हेन द स्पीकर इज एबल टू रियलाइज द विक्ट्री ओवर द ओवर डेट सेंस ऑफ लूज सेंस ऑफ लॉस बाय पास्ट लव एंड फॉर वेदर। एंग्लो का एक पोएम है फिनोमिनल वुमेन। फिनोमिनल वुमेन 1978 में पब्लिश हुआ था। देखते हैं माया एंग्लो के बारे में। माया एंग्लो वाज एन अमेरिकन पोएट, मेमोरिस्ट एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। शी पब्लिश्ड ऑटोबायोग्राफीज, एसेज, प्लेज एंड सेवरल बुक्स ऑफ पोएट्री। शी रिसीव्ड डजन ऑफ अवार्ड्स एंड मोर देन 50 ऑनरी डिग्री। आई नो व्हाई द कागेड बर्ड सिंग्स गेदर टुगेदर इन माई नेम। देखिए यहाँ पर माया एंग्लो जो एक अमेरिकन पोएट थी, मेमोरिस्ट थी, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज, एसेज, प्लेज और पोएट्री की कई सारी बुक्स को भी पब्लिश करवाया, लिखा और पब्लिश करवाया। इनको डजन ऑफ अवार्ड्स मिला और इन्होंने मोर देन 50 ऑनरी डिग्रीज भी रिसीव किया है। समरी देखते हैं, समरी और फिनोमिनल वुमेन। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, फिनोमिनल वुमेन का मतलब एक अद्भुत महिला, ऐसी महिला जो कि मतलब बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल उसके जैसा कोई हुआ ना हो संसार में। समरी, रिपीट फिनोमिनल वुमेन और फ्रेज मीन्स। इस पोएम में फिनोमिनल वुमेन फ्रेज, फिनोमिनल वुमेन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। इंडिपेंडेंट वीमेन डजेंट है फैशन सेंस, और इंडिपेंडेंट वीमेन जो हैं उनके पास फैशन सेंस नहीं है। अदर वुमेन एडमायर हर, जबकि दूसरी वुमेन उनकी एडमायर करती हैं। दे डोंट बिलीव, ये विश्वास नहीं करते। एंड थिंक आई एम टेलिंग अ लाइज, और ये सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेन एडमायरर्स हर टू, इंसान भी मेन भी उनकी प्रशंसा करते हैं। सेज इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट अबाउट हर लाइफ, लेकिन वो अपने लाइफ के प्रति, लाइफ के बारे में इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट है। यहाँ पर माया एंग्लो ने सीधा सीधा यही बताया है कि एक वुमेन को अपने आप में इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। ऐसा करने से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो एक फिनोमिनल वुमेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। एनालिसिस, फिनोमिनल वुमेन इज अ लिरिकल पोएम। फिनोमिनल वुमेन एक लिरिकल पोएम होता है। अ पर्सन विल इम्प्रूव, जहाँ पर एक पर्सन इम्प्रूव करता है। व्हेन दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स टू देमसेल्व्स नो मैटर व्हाट्स द सिचुएशन एंड हाउ दे आर, जहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन कैसे और वो किस तरह से रहते हैं। दिस पोएम इम्प्रेस्ड मैनी ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, दे यूज्ड दिस पोएम इन मैनी पॉलिटिकल इश्यूज। अब ये देखिए, वो लोग इस पोएम को कई सारे पॉलिटिकल इश्यूज में भी यूज करते हैं। दिस पोएम इज अबाउट डोंट एक्सेप्ट सोसाइटल प्रेशर, जस्ट बी हु यू आर। मतलब ये पोएम इस बात पर जोर देता है कि आप सोसाइटी के प्रेशर को एक्सेप्ट ना करिए कि आप उनके अनुसार बनने वाली या नहीं। आप सोसाइटी के प्रेशर को मत एक्सेप्ट करिए, बल्कि अपने हिसाब से अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, अपना काम करते रहिए। थीम्स, यहाँ थीम्स की बात करें तो फीमेल पावर को दिखाया गया है, इंडिविजुअलिटी, कल्चर एंड सोशल स्टीरियोटाइप की बात हुआ है, सेल्फ लव की बात हुआ है। स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल द फिनोमिनल वुमेन, नॉट यूज्ड प्रॉपर रेगुलर राइम स्कीम। इसमें प्रॉपर रेगुलर राइम स्कीम का यूज नहीं किया गया है। रिपीटेशन ऑफ फ्रेज, एक ही फ्रेज का रिपीटेशन हुआ है और वो फिनोमिनल वुमेन। टाइटल इज फ्रेज, टाइटल एक फ्रेज के फॉर्म में है। व्हेन समथिंग रिपीट इन लिटरेचर डेट मीन्स इट हैज ऑन इम्पोर्टेंस, जब लिटरेचर में किसी चीज का बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है तो वहां से ये चीज क्लियर हो जाता है कि वो चीज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिनोमिनल वुमेन मीन्स होता है अभूतपूर्व औरत, ऐसी औरत जो कि मतलब पहले कभी ना हुई हो, बिल्कुल नई, वंडरफुल, सरप्राइजिंग। वर्जीनिया वुल्फ ने
एक एसे लिखा है और उसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। अ रूम ऑफ वंस ओन एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ एक फीमेल राइटर हैं। देखते हैं इसमें क्या बताती हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन इज एन एसे रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ पब्लिश्ड इन 1929। अ रूम ऑफ वंस ओन एक एसे है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा और इसको पब्लिश करवाया गया 1929 में। वर्जीनिया वुल्फ इज नोन फॉर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल ऑथर ऑफ द 20th सेंचुरी। वर्जीनिया वुल्फ को 20th सेंचुरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल ऑथर में से एक माना जाता है। द एसे वॉज बेस्ड ऑन टू लेक्चर्स गिवन बाय द ऑथर इन 1928 एट न्यूनहैम कॉलेज एंड गिर्टर्न कॉलेज, द फर्स्ट टू कॉलेज फॉर वीमेन स्कॉलर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वीमेन एंड फिक्शन। अब देखिये ये जो एसे है इनके दो लेक्चर पर बेस्ड है जिसको इन्होंने डिलीवर किया था न्यूनहैम कॉलेज और गिर्टन कॉलेज में डिलीवर किया था, और जहां पर विमेन और फिक्शन का जो कॉलेज पहला दो कॉलेज माना जाता है, और वो पता है कौन है, न्यूनहैम कॉलेज और गिर्टन कॉलेज। हेयर थीसिस इज डेट अ वुमेन नीड्स मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन। यहाँ पर एक अगर थीसिस की बात करें तो इसका थीसिस यही निकलता है कि एक वुमेन को पैसे की जरूरत होती है और एक अपने खुद के कमरे की जरूरत होती है। अगर इफ सी इज राइट फिक्शन, अगर वो फिक्शन लिखना चाह रही है तो उसके लिए उसे पैसे की और खुद एक पर्सनल रूम की जरूरत होती है। She will new try to show how she has come to this conclusion. The name of the narrator is unimportant since she represents every woman. यहाँ पर नरेटर का नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये हर वीमेन के लिए जरूरी है कि अगर कोई भी वीमेन लिखना चाहे तो उसके लिए खुद के एक रूम और जो है पैसे की जरूरत होती है। द नरेटर बिगिंस बाय नरेटिंग हर डे एट द कॉलेज ऑफ द फिक्शनल यूनिवर्सिटी ऑक्सब्रिज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, ट्राइंग टू कंपोज हर लेक्चर। इन्होंने अपने लेक्चर में एक ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी को इमेजिन किया। एक्चुअली ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिलाकर बनाया गया है, मीन्स उनके नाम से बनाया गया है। सी सीज अपॉन सम इम्पॉर्टेंट थॉट एंड रशेस अक्रॉस वन ऑफ द कॉलेज लॉन्स, बट इज स्टॉप्ड बाई अ गॉड हु टेल्स हर डेट द लॉन इज रिजर्व फॉर फेलोज एंड स्कॉलर। सी इज सर्ट आउट ऑफ सेवरल अदर एरियाज इन द सेम वे बिफोर गोइंग टू लंच पार्टी वेयर सी इज सरप्राइज्ड बाय द ब्राइट कन्वर्सेशन ऑफ द मेन एंड वीमेन। लेटर सी इट्स डिनर एट द फिक्शनल वीमेन्स कॉलेज फर्नहैम। जब ये बताते हैं कि लेक्चर देने के बाद ये एक फिक्शनल वीमेन जिसका नाम है फर्नहैम उसके साथ में डिनर करती है। द मील हियर इज क्वाइट डिफरेंट, यहाँ का मील थोड़ा सा अलग था। रिफ्लेक्टिंग ऑन हर डे द नरेटर रिवील्स डेट वीमेन हैव बीन शट आउट ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल लेगेसी डेट मेन हैड ऑलवेज हैड एक्सेस टू। यहाँ पर बताती हैं कि जो यहाँ का मेल था वो बिल्कुल अलग था और नरेटर को रियलाइज होता है कि वीमेन को एजुकेशन नहीं मिलता है और ना ही उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। द नेक्स्ट डे द नरेटर गोज टू द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड फाइंड्स डेट इट इज अ मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन। अगले दिन नरेटर जो लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर पाती है कि वहां पर मैस्कुलाइन इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मेल का ही बोलबाला है। देयर आर सेल्फ्स ऑफ राइटिंग फॉर मेन अबाउट वीमेन, वहां पर जो है कुछ ऐसी चीजें जहां पर मेन लिखते हैं वीमेन के बारे में, लेकिन मेन वीमेन वीमेन के बारे में नहीं लिखती हैं, ऐसी कोई उसे बुक नहीं मिली। सी थ्योरीज डेट वीमेन हैव अ मिरर इन विच मेन हैव ऑलवेज सीन देमसेल्व्स इनलार्ज्ड। ये कहती है कि मेन के पास वीमेन एक मिरर की तरह होता है जिसमें जो है मेन हमेशा उसके ऊपर अधिकार करते हैं। एंड स्ट्रेंथ डेट मेन हैव यूज्ड देयर लिटरेचर एंड स्कॉलरशिप टू अफर्म द इंफेरियोरिटी ऑफ वीमेन मोस्टली टू प्रोटेक्ट द ओन सुपीरियरिटी।
Looking back on the legacy of women rights, the narrator finds that there is hardly any information about the average women's life and she did what she liked and so on. यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से उसे कोई चीज मिलता है कि जहां पर ऐसा कोई वर्क हो जिसको वीमेन जो वीमेन पर बेस्ड हो और वीमेन ने ही उसको लिखा हो. सो सी इन्वेंट्स द स्टोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सिस्टर्स जूडिथ शेक्सपियर. जब उसे कोई कहानी नहीं मिलती है तब वो एक इमेजिनेशन करती है कि काश अगर विलियम शेक्सपियर की एक बहन जूडिथ शेक्सपियर होती, अ वुमेन विद द पोटेंशियल फॉर जीनियस, एक ऐसी वुमेन जिसके पास बहुत ज्यादा जो जीनियस टाइप की वीमेन शुरुआत से रहती, बट हु इज नेवर एबल टू राइट अ वर्ड एंड एंड्स अप कमिट्स सोसाइटी. लेकिन उसे कभी लिखने के लिए नहीं दिया जाता, कभी एजुकेशन नहीं दिया जाता, तो फाइनली क्या करती, सुसाइड अटेम्प्ट करती बिकॉज ऑफ द वे डेट सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट वुमेन. इसलिए क्योंकि सोसाइटी वीमेन के खिलाफ स्ट्रक्चर्ड है. बट नाउ नैरेटर असर्ट्स दैट इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर वीमेन टू राइट. लेकिन नैरेटर कहती है कि अब ये चीज पॉसिबल हो चुका है कि वीमेन लिख सकती हैं, लिखने में सक्षम है. द नैरेटर लिस्ट्स द हिस्ट्री ऑफ वीमेन राइटर्स एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन ईच अदर. नैरेटर एक लिस्ट दिखाता है जिसमें जो कि वीमेन राइटर्स की हिस्ट्री के बारे में है. She charged the women of Newnham and Girton College, her audience, to create legacy for their daughters. She consumes the image of Judith Shakespeare lying dead, buried beneath the streets of Birot of London, but says all is not lost for the tragic character. ये यहाँ पर एक तरह से जैसे जिस तरह से ट्रेजिक करेक्टर के लिए चीजें बेकार नहीं होती हैं, मरने के बाद भी वो अमर रहते हैं, सेम यहाँ भी वो है. सेंस पोएट्स नेवर रियली डाई, इसलिए पोएट कभी मरता नहीं है, बट आर री इंटरप्रीटेड एंड गिवन लाइफ बाय अदर्स. बल्कि जब दूसरे लोग उनके पोएम को उनके वर्क को पढ़ते हैं तो एक तरह से उनको लाइफ मिलती रहती है. द वीमेन इन हर ऑडियंस हैव द पोटेंट have the opportunity to bring Judith to life and create the history that Judith never had. यहाँ पर देखिए एक वर्क है सैमुअल डी बॉवियर का, जो है एक वर्क है और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स. अब इंट्रोडक्शन टू द सेकंड सेक्स सैमुअल डी बॉवियर का एक जो है एसे है डेट इज पब्लिश इन 1949, जिसको पब्लिश किया गया 1949 ईस्वी में इन टू वॉल्यूम्स, दो वॉल्यूम्स के साथ में. फर्स्ट इज फैक्ट्स एंड मिथ्स एंड सेकंड इज लिव्ड एक्सपीरियंसेस. फैक्ट्स एंड मिथ्स सी रोज द क्वेश्चन, जहां पर वो क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज वुमेन, क्यों वुमेन क्या है, वुमेन क्या है. मेन कंसिडर्ड वुमेन एज द अदर, जो कि जैसा कि मेन जो है वुमेन को एक दूसरे अदर के रूप में कंसीडर करते हैं. बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वुमेन, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वुमेन क्या है. सी टुक द एग्जांपल ऑफ पाइथागोरस, रोजा, लग्जमबर्ग, मैरी करी, और वो वीमेन का एग्जांपल देते हैं कि कुछ ऐसे वीमेन हैं जैसे रोजा, लग्जमबर्ग, मैरी करी और जो है पाइथागोरस. लिव्ड एक्सपीरियंस क्या, सी टुक हेयर अ गर्ल टॉकिंग विद द बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ डॉल. यहाँ पर वो एक गर्ल की बात करता है जिसका नाम इन्होंने माना है डॉल, जो कि शुरुआत से अपने लाइफ के बारे में बात करती है. अब वहां पर क्वेश्चन है ये डॉल यानी कि गर्ल है ना, डॉल मतलब बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड फीडिंग. इट वॉज द मास्टर पीस ऑफ फेमिनिज्म इन सेकेंड वेव. इंट्रोडक्शन टू द सेकेंड सेक्स, इसमें जैसा कि नाम है सेक्स, लेकिन सेक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं, बल्कि सेकेंड सेक्स का मतलब फीमेल से लिया जा रहा है. जहां पर सेकंड वेव में ये फेमिनिज्म का एक मास्टरपीस वर्क माना गया है. सी टॉक्स अबाउट एज मेन गेव द सेकंड प्लेस एंड कंसीडर्ड देम द सेकंड सेक्स. ये बात करती है कि मेन ने वुमेन को एक सेकंड प्लेस पर रखा है और मेन के द्वारा वीमेन को एक सेकंड सेक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है. वीमेन आर नॉट द Women are not the second or other, but they are equal to men in every aspect. यहाँ पर सैमन डी बॉवियर बताती हैं, सैमन
सैमोन डी बॉबियर बताती हैं कि विमेन जो हैं वो सेकंड या अदर के रूप में कंसीडर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वो हर एस्पेक्ट में मेन के इक्वल हैं। वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट विमेन्स वन, कोई विमेन के फॉर्म में पैदा नहीं होता, जब कोई पैदा होता है तो एक बच्चा रहता है लेकिन उसको विमेन बनाया जाता है। सोसाइटी कल्चर एनवायरमेंट मेक्स अ वुमेन पैसिव एंड इंडिपेंडेंट, सोसाइटी कल्चर एनवायरमेंट ये वुमेन को पैसिव बनाता है और एक इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट बनाता है, उसको अपने अधिकार में रखना चाहता है। गिविंग बर्थ एंड प्रोवाइडिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन टू मेन, और इस तरह से मतलब मेन के लिए ये जो होती है बर्थ के लिए होती है, एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए होती है। दिस थ्योरी रिलेट्स विद एग्जिस्टेंशियलिज्म, और ये थ्योरी एक तरह से एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेट करती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी रिलेट करती है। सीवाज द अगेंस्ट मैरिज, वो मैरिज के अगेंस्ट है प्रेगनेंसी, डोमेस्टिक फीमेल डिवोर्स पैट्रियार्की, और इन सब के खिलाफ के अगेंस्ट है। सैमुअल डी बॉबियर इज अ फ्रेंच फेमिनिस्ट, और सैमुअल डी बॉबियर एक फ्रेंच फेमिनिस्ट है। यहाँ थर्ड पेपर है जिसकी राइटर है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी ने लिखा है मदर ऑफ 1084, मदर ऑफ 1084। ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली प्ले, ये महाश्वेता देवी का एक प्रकार से बंगाली प्ले है जिसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, और बंगाली प्ले 1084 पब्लिश हुआ 1974 में, इसको पब्लिश किया गया। क्रोनोलॉजिकल या हिस्टोरिकल प्ले है मदर ऑफ 1084, एक क्रोनोलॉजिकल या हिस्टोरिकल प्ले है। नेक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था 1967 में, उस दौरान इसको लिखा गया। लैंडलेस वर्कर एंड ट्राइबल पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द मनी लेंडर एंड लैंडलॉर्ड्स, जहां पर लैंडलेस वर्कर और ट्राइबल लोग जो हैं 1967 के नेक्सलाइट मूवमेंट में ये मनी लेंडर साहूकार और जो है जमींदार हैं इन सब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिए थे। हंड्रेड्स ऑफ यूथ, जहां पर सैकड़ों लोग मारे गए एंड किल्ड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के दौरान इन सारे लोगों की सैकड़ों लोगों की हत्याएं की गई या हो गई थी। अब देखते हैं मदर ऑफ 1084 में करेक्टर कौन कौन से हैं, तो करेक्टर है सुजाता चटर्जी सुतार, सॉरी देखिए करेक्टर कौन है, तो करेक्टर है सुजाता चटर्जी। सुजाता चटर्जी एक प्रोटैगोनिस्ट हैं, मैरिड टू अ बैद्यनाथ दिव्यनाथ चटर्जी, और सुजाता चटर्जी की शादी होती है दिव्यनाथ चटर्जी के साथ, और इनके दो बेटे हैं ज्योति और ब्राती हैं, और दो बेटियां हैं नीपा और तुली हैं। ब्राती यंगर सन ऑफ सुजाता, सुजाता का सबसे बड़ा बेटा है ब्राती, हु लेटर ऑन ज्वाइंड नेक्सलाइट मूवमेंट, जो कि बाद में नेक्सलाइट मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है। दिव्यनाथ चटर्जी ये ब्राती के पिता हैं। नंदिनी ब्रातीज कॉमरेड एंड हिज बेलबेड, नंदिनी जो है ब्राती की कॉमरेड और उसकी प्रेमिका है। हु असिस्टेड सुजाता अलॉट टू अनवेल द मिस्ट्री ऑफ ब्रातीज, अब नंदिनी ने ही सुजाता को बताया था कि किस तरह से ब्राती की डेथ हुई थी, इसके पीछे सारी मिस्ट्री को इन्होंने बताया था। प्ले स्टार्ट होता है वन मॉर्निंग, एक सुबह कांतापुरम पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि प्ले कैसे शुरू होता है, वन मॉर्निंग एक सुबह कांतापुकुर पुलिस मॉर्ग से फोन आता है, फोन कॉल आती है और जहां पर कहा जाता है बताया जाता है आस्क देम टू कम, उनसे दिव्यनाथ चटर्जी से आने के लिए कहा जाता है। एंड आइडेंटिफाई अ कॉर्प्स ऑफ नंबर 1084, और कहा जाता है कि आकर यहां पर आइए और जो है 100 नंबर 1084 को पहचानिए। फादर ट्राइज टू हश अप द मैटर, जब पिता को ये बात पता चलता है तो वो मैटर को शांत करना चाहते हैं। सुजाता गोज अलोन टू आइडेंटिफाई, लेकिन सुजाता को इस बात का पता चल जाता है। सुजाता गेट शॉक, सुजाता को तब शॉक फील होता है, तब झटका लगता है जब इनको
ये पता चलता है कि मेरे पति ने मुझसे नहीं बताया, ऐसी ऐसी बातें हो गई जबकि अपने बड़े बेटे से वो बताया। एंड फील्स वेरी अलोन एंड आइसोलेटेड। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा अलोन और आइसोलेटेड फील करने लगी। आफ्टर अ ईयर और सो, एक साल के बाद में लगभग सुजाता गोज टू मीट सोमूज मदर। सुजाता सोमू की माँ से मिलने के लिए जाती है, चूंकि सोमू भी उस मूवमेंट में इन्वॉल्व था। एंड गोज टू मीट न्यू पीपल आउट ऑफ हर सर्किट ऑफ एक्सपीरियंस। और इस तरह से वो कई सारे नए नए लोगों से मिलती है। एंड फाइनली सी मीट्स नंदिनी। और अंततः सुजाता जो है नंदिनी से मिलती है, हु हेल्प्ड हर टू अनवेल द मिस्ट्री ऑफ ब्राती डेथ, जो कि ब्राती के डेथ के बारे में सारे मिस्ट्री उसको बताती है। एंड स्लोली सी डिस्कोर्स हर सेल्फ, और धीरे धीरे वो खुद खोज करने लगती है क्या किस तरह से क्या कैसे हुआ था। सी लेटर टेक्स अ डिसीजन टू लीव हर हाउस। अब सुजाता बाद में ये डिसीजन लेती है कि वो घर को छोड़ देगी। सी वाज रिस्पॉन्सिबल मदर, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल मदर थी। सो सी अटेंडेड हर डॉटर्स एंगेजमेंट सेरेमनी, इसलिए वो अपने डॉटर, मतलब उसके डॉटर का एंगेजमेंट सेरेमनी था, उसकी डॉटर टूली का एंगेजमेंट सेरेमनी था, वो उसमें अटेंड हुई, उसमें गई, लेकिन वो सफेद साड़ी पहनकर। और जब सफेद साड़ी पहनकर गई तो इनके पति दिव्यनाथ चटर्जी को झटका लगा और उन्होंने उस पर कमेंट किया। क्या कमेंट किया? बैड कंपनी बैड फ्रेंड्स द मदर्स इन्फ्लुएंस। ये कमेंट किया कि बैड कंपनी बैड फ्रेंड्स द मदर्स इन्फ्लुएंस, मतलब सीधा ये कहना चाहा कि तुम्हारी वजह से प्राती की डेथ हुई है। सी गॉट कोलैप्स्ड द स्टेज, और इस तरह से वो स्टेज पर एक कोलैप्स की, मतलब लोगों को बताई क्या कैसे हुआ। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट के बारे में, वीमेन पोजीशन इन आवर सोसाइटी, और हमारे सोसाइटी में किस तरह से वीमेन की पोजीशन है। एंड हाउ दे आर ट्रीटेड, और किस तरह से वीमेन के साथ ट्रीट किया जाता है, इन सब के चीजों के बारे में वो बताई। बहुत शॉर्ट में स्टोरी है। यहाँ पर देखिए थर्ड पेपर का है एक स्टोरी है, और जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन। एक्चुअली फायर ऑन द माउंटेन एक नॉवेल है जिसको अनीता देसाई ने लिखा, और ये पब्लिश हुआ 1977 में। अच्छा, इनके करेक्टर्स कौन है फायर ऑन द माउंटेन में? करेक्टर्स कौन है? तो नंदा कौल है, नंदा कौल जो कि एक विडो है। नंदा कौल कौन है? नंदा कौल जो कि एक विडो है, ऑलवेज वेरी ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमेशा ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं। एंड लिव अ क्वाइट लाइफ इन कसौली, और अब ये प्रेजेंट टाइम में कसौली में जो है अकेली जिंदगी बिता रही है। एट द एंड में सी फील्स क्रश्ड बाई द वेट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट दूसरे करेक्टर है नंदा कौल्स हस्बैंड, नंदा कौल का हस्बैंड जो कि अ वॉइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का वॉइस चांसलर है। आशा नंदा कौल की बेटियों में से एक बेटी है। तारा नंदा कौल्स ग्रैंड डॉटर, तारा जो है नंदा कौल की पोती है, नातिन है आशाज डॉटर, आशा की बेटी है। एंड राकाज मदर, और राका की माँ है, मीन्स तारा की बेटी है आशा, और तारा की माँ का नाम है राका, और जो है ये सॉरी राका की माँ का नाम है, तारा की बेटी का नाम है राका, और तारा की माँ का नाम है आशा, और तारा की दादी माँ का नाम है नंदा कौल। राकेश ताराज हस्बैंड एंड राकाज फादर। राकेश जो है तारा के पति हैं और राका के पिता हैं। अ वेल रिगार्डेड डिप्लोमेट, एक ये अच्छे डिप्लोमेट हैं राका। नंदा कौल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर, राका जो है नंदा कौल की नातिन है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। लेफ्ट टू नंदा आफ्टर हर पेरेंट्स मूव टू जिनेवा, और ये जो है नंदा को छोड़ देती है जब उसके पापा मम्मी कहाँ जाते हैं, जिनेवा में जाते हैं, तब राका जो है अपने ग्रेट ग्रैंड डॉटर के पास रहने चली जाती है, सॉरी ग्रेट ग्रैंड मदर के पास रहने चली जाती है। इलादास, इलादास इज अ फ्रेंड ऑफ नंदा कौल फ्रॉम हर चाइल्डहुड। इलादास जो है नंदा कौल की दोस्त है, जो कि बचपन से दोस्त रही है उसकी। सी हैज अ श्रिल एंड लाउड वॉइस, उसके पास एक बहुत अच्छी वॉइस और एक लाउड वॉइस है। सी वर्क्स एज अ वेलफेयर ऑफिसर इन अ विलेज इन कसौली। इलादास जो है कसौली में एक वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम करती है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है रामलाल। रामलाल जो है नंदा का कुक है। कॉर्निक नैनो में रामलाल जो है नंदा का रसोई घर है। प्रीत सिंह फादर ऑफ अ लोकल चाइल्ड ब्राइड, ही किल्स एंड रेप्स इला दास। प्रीत सिंह जो है इला दास का रेप करता है और उसे मार देता है। बिकॉज सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, क्योंकि इला दास जो है वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, इसलिए प्रीत सिंह उसका रेप करता है और उसको मार देता है। मिस डेविड अ टीचर विद होम नंदा कॉल्स हस्बैंड हैड अ लॉन्ग अफेयर। मिस डेविड एक टीचर हैं जिनका नंदा कॉल के हस्बैंड के साथ में एक लंबा अफेयर था। यहां पर देखिए जैस्मिन, बहुत शॉर्ट में देखते हैं, जैस्मिन को लिखा है भारती मुखर्जी ने। एक्चुअली जैस्मिन एक नॉवेल है, जैस्मिन एक नॉवेल है और डोमेस्टिक फिक्शन टाइप का नॉवेल है। पब्लिश किया गया 1989 में, 1989 ईस्वी में। जैस्मिन में कौन कौन से करेक्टर हैं, तो पहली करेक्टर जैस्मिन है। जैस्मिन का एक्चुअल नाम है ज्योति, लेकिन जैस्मिन को टेलर ने जेस कहते थे। जैस्मिन को टेलर प्यार से जेस कहते थे और जैस्मिन को बर्ड जेन कहते थे। मीन्स जैस्मिन का बचपन का नाम ज्योति था, लेकिन जैस्मिन प्रकाश प्यार से जैस्मिन पुकारते थे, लेकिन टेलर प्यार से जेस पुकारते थे और बर्ड प्यार से इनको जेन कहकर पुकारते थे। जैस्मिन एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब शुरुआत में गई थी, मीन्स क्या होता है कि शुरू में जब ये 7 साल की थी तब ये जंगल में गई थी लकड़ी बीनने, और वहां पर एक एस्ट्रोलॉजर मिला और उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की जैस्मिन के बारे में कि वो बहुत कम समय में विधवा हो जाएगी और उसे देश से बाहर रहना रहेगा। तो पहला कैरेक्टर जैस्मिन है, दूसरा कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर, तीसरा कैरेक्टर है जैस्मिन्स ब्रदर हरी परार, जैस्मिन के भाई हरी परार हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है सुखबिंदर जो कि खालसा लायंस मेंबर हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रकाश जो कि जैस्मिन के हस्बैंड हैं, एक इलेक्ट्रीशियन थे ये। नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रोफेसर देवेंद्र वधीरा जो कि प्रकाश के प्रोफेसर थे, अमेरिका में रहते थे। और नेक्स्ट कैरेक्टर खालसा लायंस 26, खालसा लायन के 2 सिख। साड़ी शॉप, ये साड़ी की दुकान पर जाते हैं, मतलब कई सारी। एक यहाँ कैरेक्टर है हाफ पेस कैरेक्टर है जो कि हाफ पेस जब ये जैस्मिन अमेरिका में जाती है तब हाफ पेस इसको रिसीव करता है। चूंकि इसको रिसीव करने के लिए कोई रिलेटिव्स नहीं होता है तब हाफ पेस के साथ आती है और हाफ पेस जो है जैस्मिन का रेप कर देता है और बदले में जैस्मिन क्या करती है, चाकू से हाफ पेस की हत्या कर देती है और अपनी जीभ काट लेती है। लेकिन बाद में इनका जीभ सही होता है डॉक्टर के द्वारा लिलियम गॉर्डन के संपर्क में आने से। लिलियम गॉर्डन जो कि 17 ईयर्स ओल्ड वुमेन है। और इसके नेक्स्ट कैरेक्टर हैं टेलर और विली जो कि पति पत्नी हैं। बाद में क्या होता है, विली जो है दूसरे के साथ में चली जाती है और तब टेलर जैस्मिन के साथ प्यार में पड़ जाता है। और यहाँ पर एक करेक्टर है डैरल। डैरल भी जैस्मिन से प्यार करता था लेकिन डैरल को जैस्मिन मना कर देती तो डैरल आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है डफ। डफ जो कि टेलर और विली का गोद लिया हुआ पुत्र है। और स्टुअर्ड, देखिए बिलीज लबर, बिली जो है पहले टेलर की पत्नी थी लेकिन बिली को प्यार हो जाता है स्टुअर्ड से और इसलिए जो है बिली स्टुअर्ड के साथ में भाग जाती है। रिपल मेयर एक ओल्ड वुमेन है। और नेक्स्ट है बैंकर बर्ड जो कि जैस्मिन को बैंक में जॉब दिलाता है और धीरे धीरे ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रहने लगते हैं।